नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिग्री सीक्वेंस की, और आइए उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में सीखेंगे कि हेवेल हकीमी थ्योरम को कैसे अप्लाई करें। और अगर आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कोई डिग्री सीक्वेंस वैलिड है इनवैलिड है, तो हेवेल हकीमी कैसे आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरम का एक बेसिक आइडिया समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई भी ग्राफ हमारे पास है, और अगेन लेट मी से इस टाइप का कोई ग्राफ हम ले लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई। ठीक, तो डिग्री सीक्वेंसेस एक बार इसकी कंप्यूट कर लेते हैं। ए का डिग्री है 1, बी का डिग्री होगा 4, सी का डिग्री 2, ई का डिग्री 2 एंड डी का डिग्री हमारा हो गया 3। तो अगर मैं डिग्री सीक्वेंस लिखूंगा नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो दैट विल बी 4 होने वाला है, उसके बाद नंबर आएगा 3 का, देन यू विल हैव 2, 2 एंड 1, है ना। तो ये दोस्तों डिग्री सीक्वेंस हमको मिलेगा। अब आइडिया क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करें ये लॉजिक वैलिड है कि इनवैलिड है। देखिए, हम ऐसा समझते हैं, अगर किसी वर्टेक्स, फॉर एग्जांपल इस केस में जो हाईएस्ट डिग्री वाला वर्टेक्स है वो है दोस्तों 4, अगर मैं इस वर्टेक्स को इस ग्राफ से रिमूव कर दूं, मतलब लॉजिकली एक बात समझिएगा, हम रिवर्स पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस ग्राफ में ये जो वर्टेक्स है जिसका डिग्री है 4, इस बात का मतलब क्या है कि ये वर्टेक्स दोस्तों 4 वर्टेक्स से एसोसिएटेड है, है ना, और उन 4 वर्टेक्स को ये एक एक डिग्री ऐड कर रहा होगा। तो लॉजिकली आप समझिएगा, अगर हम इस वर्टेक्स को इस ग्राफ से हटा दें तो 4 वर्टिसेस पे इफेक्ट पड़ेगा, और कितनी डिग्री का पड़ेगा, एक एक डिग्री का। तो जो नेक्स्ट ग्राफ आपको मिलेगा, दैट विल बी 2 एंड देन 1 एंड 1 एंड 0। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप देखिए, अगर मैं बी वर्टेक्स को हटा देता हूं, और मैं हमेशा उस वर्टेक्स को हटाऊंगा जिसका डिग्री हाईएस्ट होगा, तो 4 वाले को हटाया तो ये एच भी चला गया, ये एच चला गया, ये एच चला गया और ये एच भी चला गया। अब आप देखिए इस रिजल्टेंट ग्राफ में, जिसमें बी हमारे पास अब नहीं है, ए का डिग्री अब ये ए का डिग्री चेंज होके हो गया 0, बिकॉज इसके पास कोई भी एज नहीं है, सी का डिग्री हो गया 1, डी का डिग्री हो गया 2 और ई का डिग्री भी हो गया 1। तो देखिए पैटर्न आपको मिला 2, 1, 1, 0। तो देखिए एक बेसिक आइडिया क्या है, हेवेल हकीमी बोलता है कि जो भी सीक्वेंस आपके पास है पहले उसको सॉर्ट कर लें। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, तो सॉर्ट करना है नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बाद में सबसे छोटा वैल्यू, और क्या करना है, जो हाईएस्ट नंबर है उसको हम डिलीट करेंगे, उस वर्टेक्स को डिलीट करेंगे, और उसका जितना भी डिग्री होगा, तो कॉमन सेंस बात है। अब जैसे इसलिए मैंने एग्जांपल कोट किया, इसका डिग्री था 4, इसका मतलब ये 4 वर्टेक्स से एसोसिएटेड था, तो काउंट करके जो भी इसका वैल्यू है 4 वर्टेक्स का डिग्री एक एक कम कर देंगे, बिकॉज वो जो कनेक्शन था वो दोस्तों ब्रेक हो गया। अब ये आपको रिजल्टेंट ग्राफ मिला। आइडिया क्या है, हेवेल हकीमी बोलता है अगर ये ग्राफ वैलिड है तो वो ग्राफ भी वैलिड था, और अगर वो ग्राफ इनवैलिड था तो ये ग्राफ भी वैलिड है। मतलब एक्चुअली ग्राफ की प्रॉब्लम को हमने चेंज नहीं किया, बिकॉज ऑफ कोर्स इस ग्राफ से इस ग्राफ में दोबारा जा सकता हूं उस वर्टेक्स को ऐड करके बाकी सारे वर्टेक्स से, फिर दोबारा इस ग्राफ में भी आप यही ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए इस ग्राफ में हाईएस्ट डिग्री वाला वर्टेक्स कौन है, 2, आप 2 को एलिमिनेट करिए, और उसके बाद जो दो नेक्स्ट वर्टेक्स आपको मिले उसका डिग्री एक एक कम कर दीजिए। इस बार मैंने 2 क्यों पिक किया, बिकॉज मैंने जिस वर्टेक्स को चूज किया उसका डिग्री दोस्तों 2 था, तो तब जब मैं ऐसा करूंगा तब आपको मिलने वाला दैट विल बी 0, 0, और ये ऑलरेडी 0 है। अब आपको एक ग्राफ मिला लॉजिकली जिसमें 3 वर्टेक्स हैं और तीनों का डिग्री है 0, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है क्या? जी ऑफ कोर्स पॉसिबल है, बिकॉज लॉजिकली इट्स अ नल ग्राफ। मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूं, एज होना जरूरी नहीं है, एज सेट एम्प्टी हो सकता है। तो दोस्तों अभी आपको मिला नल ग्राफ और 3 वर्टेक्स, तीनों का डिग्री है 0, अगर ये ग्राफ वैलिड है तो ये ग्राफ भी वैलिड था और वो वाला ग्राफ भी वैलिड था, इसका मतलब दिस डिग्री सीक्वेंस इज वैलिड। तो मेरे ख्याल से आइडिया आपको समझ आ रहा होगा। लॉजिक क्या है, एक एक करके हम वर्टेक्स हटाते जाएंगे, और मैं पूरा प्रोटोकॉल नहीं लिख रहा हूं, लेकिन लॉजिकली आप तब तक ये काम रिपीट करते जाएं तब तक आप श्योर नहीं हो जाएं कि ये डिग्री सीक्वेंस वैलिड है या फिर इनवैलिड है। फॉर एग्जांपल यहां पर तो 0, 0 मिल गया, कुछ केस में हो सकता है नेगेटिव वैल्यू आ जाए, कुछ केस में हो सकता है कि वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिग्री ही नहीं बचे, वर्टेक्स ही नहीं बचे, तो सारे के सारे सीक्वेंस होंगे इनवैलिड। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ आएगा, और आजकल दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिसेंटली गेट और नेट दोनों में रेफर किया है। तो ये अब कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं,
और हेवल हकीमी का एडवांटेज क्या है, सीक्वेंस कितना ही बड़ा कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो पहला सीक्वेंस मैं उठा लेता हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सीक्वेंस पे ट्राई करेंगे, बट लॉजिक ध्यान रखिएगा, ये सारे सीक्वेंस मैंने सॉर्ट करके लिखे हैं। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सॉर्टेड सीक्वेंस नहीं मिलेंगे, तो पहले करना है सीक्वेंस सॉर्ट, फिर आगे काम करना है। तो खैर मैंने एक सॉर्टेड सीक्वेंस लिया, तो हमारे पास है 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1। अगेन बेसिक लॉजिक आप अप्लाई करके एक बार देख लीजिए, ऑड डिग्री वाले कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो ऑड डिग्री वाले हैं दोस्तों 4, हो सकता है नहीं पकड़ आया। दूसरी बात सोच लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 वर्टेक्स हैं, किसी वर्टेक्स का मैक्सिमम डिग्री हो सकता है 7 और 7 इसका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब समझना मुश्किल है कि भाई ये ग्राफ है कि नहीं, और बना के देखेंगे तो टाइम बहुत लगने वाला है, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, हेवल हकीमी लगाते हैं। अब देखिए क्या करना है, ये पहले से सॉर्टेड है तो देख लेते हैं कि हाईएस्ट डिग्री कौन है, 7। जिस नंबर को डिलीट करेंगे नेक्स्ट उतने ही वर्टेक्स का डिग्री एक एक कम करेंगे। 7 को डिलीट कर रहा हूं इसलिए अगले 7 वर्टेक्स काउंट करके उनका डिग्री एक एक कम करूंगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाय चांस ये 7 ही वर्टेक्स है, सबका डिग्री एक एक हुआ कम, तो ये क्या हो गया, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0। हम बोलते हैं प्रॉब्लम का लॉजिक बिल्कुल सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो रिड्यूस हो गया है। अब फिर देख लीजिए क्या एक बार सॉर्टेड सीक्वेंस है, हाँ है, बिकॉज अभी आप देखेंगे कभी कभी ऐसा हो सकता है सब्ट्रैक्ट सबसे नहीं हो, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद सीक्वेंस जो है वो सॉर्टेड नहीं रहे, तो पहले सॉर्ट करना है उसके बाद अगली इटरेशन अप्लाई करनी है। तो फिर अगली इटरेशन में फिर हेवल हकीमी अप्लाई करते हैं, और अब मैं वो वर्टेक्स डिलीट करूंगा जिसका डिग्री है 5, तो इसका मतलब ये 5 वर्टेक्स से कनेक्टेड था, तो अगले 5 वर्टेक्स का डिग्री एक एक कम कर लेता है। तो अगेन काउंट करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 वर्टेक्स का डिग्री किया एक एक कम, नाउ दैट विल बिकम 3, 2, 2, 1, 0, और ये 0 एज इट इज आने वाला है। अब मैं बोल रहा हूँ तब तक ये लॉजिक अप्लाई करते रहिए, तब तक आप श्योर नहीं हो जाते चाहे वैलिड है चाहे इनवैलिड है, फिर दोबारा ट्राई करते हैं। इस बार फिर सॉर्टेड सीक्वेंस मिला, तो 3 मैंने पिक किया। अब अगले 3 वर्टेक्स जो नंबर हो उतने ही सबसीक्वेंट वर्टेक्स पे काम करता हूं, तो अगले 3 वर्टेक्स के कम कर दूं, दैट विल बी 1, 1, 0, 0, 0। वैसा तो आइडिया एकदम क्लियर है कि ये ग्राफ वैलिड है, बिकॉज इट इज नथिंग बट 5 वर्टेक्स हैं, 3 इंडिपेंडेंट हैं जिस पर कोई डिग्री नहीं है, और एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों का डिग्री है 1, 1, तो ऐसा हो सकता है। बट फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा अप्लाई कीजिए। अब इसको हटाऊंगा तो अगले वर्टेक्स का डिग्री एक कम करेंगे, तो आपको मिलने वाला है 4 टाइम 0, और ऑफकोर्स एक नल ग्राफ है, क्या ये वैलिड है, हाँ वैलिड है, इसका मतलब ये सिक्वेंस भी वैलिड था। कितने ग्राफ बन सकते हैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ एक ऐसा कम से कम सिंपल ग्राफ पॉसिबल है जिसकी डिग्री सीक्वेंस दोस्तों ये हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आइडिया आपको समझ आ रहा होगा। अब उसी लॉजिक को यूज करके अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी बात सिर्फ प्रैक्टिस की है। अब सपोज करिए अगला पैटर्न है, तो दोबारा लिख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी सॉर्टेड सीक्वेंस लिखी है 6, 6, 6, 6, एंड देन यू विल हैव 3, 3, 2 एंड 2, और बताना है कि सीक्वेंस वैलिड है कि इनवैलिड। तो फिर वही आइडिया सोचिएगा, पहला वर्टेक्स पिक करता हूं 6, नेक्स्ट सबसीक्वेंट 6 वर्टेक्स 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, बस यहीं तक काम करूंगा। दोबारा लॉजिक समझिएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, वो वर्टेक्स डिलीट कर रहा हूं जिसका डिग्री 6 है, इसका मतलब ये 6 वर्टेक्स से कनेक्टेड था, तो हर किसी का डिग्री एक एक हो जाएगा कम, तो ये दोस्तों होने वाला है 5, 5, 5, दैट विल बी 2, 2, 1 एंड 2। अब देखिए यहां पे लॉजिक क्या है, बिकॉज लास्ट वर्टेक्स पे रिडक्शन हमने अप्लाई नहीं किया, काउंट करके सिर्फ 6 पे किया है, तो ये जो सीक्वेंस है सॉर्टेड नहीं है, तो पहले इसको दोबारा सॉर्ट कर लेते हैं। तो ऑल राइट, 5, 5, 5 एंड देन 2, 2, 2 एंड देन 1। हेवल हकीमी सिर्फ तभी अप्लाई करना है, माइनस सिर्फ तभी करना है जब सीक्वेंस हमारा सॉर्टेड हो। फिर वही करते हैं, 5 वाले को पिक करते हैं, काउंट करिए 5 वर्टेक्स 3 दैल बी 5 और एक एक कम कर दे, दैल बी 4, 4, 1, 1, 1 एंड 1। तो इस बार ये सॉर्टेड है, फिर अप्लाई करता हूँ, तो नाउ लेट मी टेक 4 और काउंट करता हूँ 4 वर्टेक्स, विल बी रिड्यूस बाय 1, तो दैल बी 3 एंड 0, 0, 0 एंड 1, और फिर सॉर्ट कर लेता हूँ, बिकॉज हर बार सॉर्ट करेंगे, दैल बी 3, 1, 0, 0, 0। अब दोस्तों देखिएगा, इसके आगे आप हेवल हकीमी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो देखिए क्या होगा, जैसे ही आप 3 हटाएंगे नेक्स्ट 3 वर्टेक्स की डिग्री करनी है एक एक कम, तो हो जाएगा 0, -1, -1, 0, और डिग्री कभी माइनस हो नहीं सकती। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस था दोस्तों ये इनवैलिड था। तो बड़ा बेसिक सा आइडिया है,
आपको पैटर्न समझ आया होगा, सेम सीक्वेंस है, रिड्यूस करते जाना, और तब तक रिड्यूस करना है जब तक या तो आपको जीरो नहीं मिल जाए या इस तरह का कोई इनअप्रोप्रिएट लॉजिक नहीं मिल जाए, बाकी सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। तो ये जो सीक्वेंस है ये इनवैलिड, अब हम श्योर हैं। तो अगर आप कोई बेसिक जो शॉर्टकट है वो नहीं समझ पा रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा वैलिड इनवैलिड, तो हैवल हकीमी इज ऑलवेज देयर जो आपको आंसर बताने वाला है। अगला पैटर्न देखिए, नाउ यू हैव 7 एंड देन 6 6 4 4 3 2 2, टोटल यू हैव 8 वर्टिसेस, सो दिस सीक्वेंस माइट बी करेक्ट, तो एक बार चेक करना हमको पड़ेगा। तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, जी हाँ, तो 7 से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट 7 1 2 3 एंड 4, सबका डिग्री एक एक कम, 5 5 दैट बी 3 3 एंड देन 2 एंड 1 1, फिर दोबारा ऑलरेडी सॉर्टेड सीक्वेंस है, हाँ, तो दोबारा अप्लाई कर लेता हूँ, 5 हटाऊंगा, नेक्स्ट 5 वर्टेक्स 2 एंड 3 5, तो दैट बी 4 एंड 2 2 1 0 1। अब देखिए सॉर्टेड नहीं रहा तो सॉर्ट कर लेते हैं, 4 2 2 1 1 0, फिर दोबारा 4 हटाइए, नेक्स्ट सब सीक्वेंट 4 वर्टेक्स, दैट विल बी 1 1 0 0 0, और फिर लास्ट वन आप हटाएंगे तो दैट विल बी 0 0 0 0, 4 0 आपको मिले, इसका मतलब सीक्वेंस जो है वो था वैलिड। अगला पैटर्न देखिए, नंबर बहुत बड़ा लिखा है डिग्री का 8, तो एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सीक्वेंस दोस्तों इनवैलिड है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं, वही वाला आइडिया, टोटल 8 वर्टिसेस हैं, तो किसी वर्टेक्स का मैक्सिमम डिग्री दोस्तों 7 हो सकता है, 8 हो ही नहीं सकता था, लेकिन इसने बोला 8, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ऑफ कोर्स ये सीक्वेंस इनवैलिड है। अगला पैटर्न देख सकते हैं, यू विल हैव 6 5 5 4 3 3 एंड देन 2 2 एंड 2, ओके, तो अगेन यू सी, लेट मी टेक 6 फर्स्ट, तो आई विल टेक 6 और नेक्स्ट 6 वर्टेक्स का डिग्री कर देते हैं कि कम, द लाइल बी 4 4 3 एंड देन 2 2 1 एंड 2 2, अगेन एक अनसॉर्टेड सीक्वेंस, उसको सॉर्ट कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 4 4 3, 2 2 2 2 4 टाइम्स एंड 1, देन यू पिक 4 एंड रिड्यूस नेक्स्ट 4 का डिग्री बाय 1, तो आपको मिलेगा 3 2 एंड देन 1 1 2 2 1, अनसॉर्टेड सीक्वेंस है, दोबारा सॉर्ट कर लेते हैं तो विल हैव 3 एंड देन 2 2 2 3 टाइम्स एंड देन 1 1 1, अगेन यू पिक 3 और फिर इसको आप कम करेंगे, विल गेट 1 1 1 एंड 1 1 1, मेरे ख्याल से आगे करने की जरूरत नहीं, बेसिक बात है कि कोई ग्राफ ऐसा हो सकता है जिनमें 3 स्ट्रेट लाइंस हो अलग अलग, तो लॉजिक क्या है कि हर वर्टेक्स का डिग्री होगा 1 1 1, आप चाहें तो उसको आगे भी करिएगा, बट ऑफकोर्स आपको फाइनली 0 0 0 ही मिलने वाला है। ओके, आगे देख सकते हैं, एक और पैटर्न हमारे पास है जहां पर आपके पास है कंसेक्यूटिव 4 6s एंड देन 4 3 3 एंड 0, वैसे गौर करते हैं टोटल वर्टेक्स कितने हैं यहाँ पे, 8, ओके, वैसे नाम के लिए ही 8 है बिकॉज 0 तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, टोटल वर्टेक्स है 7 और 4 का डिग्री है 6, तो लॉजिक ये बोलता है कि 4 वर्टेक्स वो बोल रहे हैं वो बाकी सबसे कनेक्टेड है, लेकिन ये वर्टेक्स बोल रहे 3, देखते ही बता सकते हैं कि सीक्वेंस जो है वो है इनवैलिड, फिर भी आप एक बार ट्राई करिएगा, चलिए हम ही ट्राई कर लेते हैं, नोट कर चुके हैं, तो 6 मैंने लिया तो नेक्स्ट 6 वर्टेक्स का डिग्री कर देता हूँ एक एक कम, तो दैट विल बी 5 5 5 3 2 2 एंड 0, देन आई टेक 5 विद 5 वर्टेक्स, दैट विल बी 4 4 एंड देन 2 1 1 0, फिर आई टेक 4 वर्टेक्स नेक्स्ट 4, तो दैट विल बी 3 1 0 0 0, इस पैटर्न पे पहले काम कर चुके हैं, इसके आगे रिड्यूस करेंगे तो पैटर्न मिलेगा 0 -1 -1 0, आ सीक्वेंस इनवैलिड है, वैसे शॉर्टकट था हम पहले भी बता पा रहे थे, 5 एंड 3 एंड 3 6 वर्टेक्स मैक्सिमम डिग्री 6 नहीं हो सकता, इनवैलिड सीक्वेंस है, शॉर्टकट है, डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, हैवल हकीमी भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग केस है, शायद लास्ट वीडियो में ये आखिरी पैटर्न था, इसको आप चेक करिए, तो 4 times 3 है एंड देन यू हैव 2, अब पिक कर लेते हैं 3, नेक्स्ट 3 वर्टेक्स का डिग्री एक एक कम, तो विल बी 2 2 2 एंड दैट विल ऑलरेडी 2, फिर दोबारा चेक करते हैं, वैसे यहीं पे देख के पता लग गया सीक्वेंस वैलिड है बिकॉज लॉजिकल इट इज नथिंग बट अ स्क्वायर, तो आप देखिए 4 वर्टेक्स है, 4 का डिग्री है 2, बट फिर आप चाहे तो हैवल हकीमी में अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 रिड्यूस करेंगे, डिलीट करेंगे, अगले 2 वर्टेक्स का डिग्री एक एक हो जाएगा कम, तो दैट विल बी 1 1 एंड 2, और फिर इसको कर सकते हैं सॉर्ट, तो 2 1 1, फिर 2 हटाइए तो विल गेट 0 0,
और 0 0 है तो सीक्वेंस है वैलिड। तो मेरे ख्याल से दोस्तों एक या दो केसेस बचे हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। लॉजिक बहुत आसान है। ये आइडिया था दोस्तों डिग्री सीक्वेंसिंग का। तो पहला जो वीडियो था हमने समझा कि डायरेक्ट आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, मेरे ख्याल से आइडिया आपको पसंद आएगा। और यहाँ पर डायरेक्ट हेवेल हकीमी ऑफकोर्स आपके पास है, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो हेवेल हकीमी यूज कर और आंसर निकाले। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आजकल ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बड़ा आसान सा पैटर्न है, इसको समझिएगा, सॉल्व करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब आप करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसका जल्दी से नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका एडवांटेज उठा सकें। तो दोस्तों थोड़ा सा मुझे समय दीजिए और बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ ग्राफ थ्योरी के अंदर और कोई नए पैटर्न पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।